भाइयों, अब हम आए हैं उस्तादों के उस्ताद रफ़ुन उस्ताद जी के अड्डे पे और मिलवाते हैं उनके बेटे शोएब से आपको। तो कुछ इस तरीके से कि शोएब भाई खुद अपने हाथों से ये माला मांझे सूत रहे हैं। शोएब भाई कौन सा ब्लॉक लग रहा है, एएमडी के यूएसआर? ये एएमडी लग रहा है, तो ये एएमडी चल रहा है, इसके ऊपर आपका यूएसआर का ब्लॉक आता है बिल्कुल। तो शोएब भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में, कैसे हैं आप? ठीक है। और ये हमारे मतलब कहते हैं ना कि आज हम उस्तादों के उस्ताद रफ़ुन उस्ताद जी के बेटे के साथ यहाँ पे हैं। तो कैसा लगता है जब कहते हैं कि मतलब सब उनका नाम बड़ा फेमस है, मतलब दुनिया कहती है कि रफ़ुन उस्ताद, मतलब सबसे पहले आपके यहाँ से हुआ था, फिर नूरी भाई साहब के यहाँ से भी हुआ, फिर जिलानी मियाँ, मतलब अगर मान जाए तो पुराने उस्ताद जिलानी मियाँ जो हमारे दादाजी शागिर्द हैं, मतलब वही कह रहा ना अली उनके, मैं कह रहा हूँ कि ना मतलब कैसे फीलिंग होती है, मतलब नाम बड़ा फेमस नाम रहता है आगे, प्राउड मोमेंट रहता ना कि मतलब एक मांझा मेकिंग का काम मेरे ख्याल से कहता है कि आपके यहीं से शुरू हुआ था, सबसे पहले यहीं से मतलब जो ये मांझा बनना शुरू हुआ था। तो बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे क्या मतलब कैसे हुआ था जो आपके परदादा जी, थोड़ा सा इसका मुझे नॉलेज नहीं है। वाली साहब तो वो घर पे होंगे शायद, घर पे चले कोई बात नहीं, कोई मौका लगा तो घर पे आके उनसे ज़रूर मिल के जाएंगे हम। बाकी जनाब आजकल वैसे आप तो इतना पुराना काम कर रहे हैं आपको मालूम है, तो अब आपको क्या लगता है कि वो वाली बात है मांझा मेकिंग में जो पहले हुआ करती थी, कुछ चेंज लगा आपको? तो बहुत चेंजिंग आ गई काम में, पहले तो और हिसाब से मान लीजिए होते थे, थोड़े बारिश होते थे और दूध तेज लड़ते थे, उस हिसाब से होते थे बहुत थे। आजकल तो सब सिंचाई की वजह से रहे हैं, बट मेरे पास आपकी जो दोनों डोरे आई थी उसके बाद मैं दो चरखे और मंगवाए थे, सब लंबे लड़ने वाले पेच लड़े, मैं तो इतना बढ़िया, और रखने के बाद तो एएमडी तो ऐसा हुआ पड़ा है बिल्कुल मुलायम, इनका तो लड़ेगा बहुत बढ़िया। तो जनाब एक चीज़ है, सब कहते हैं कि आप काला रंग बनाते हैं, बस जनाब एक चीज़ है, सब बोलते हैं कि आप काला रंग बनाते हैं, तो काला रंग बनाने के पीछे कोई लॉजिक, कोई मतलब फेवरेट आपका? मेरे ख्याल से आप एक ही रंग सूतते हैं ना, काला रंग ही सूतते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई मतलब फेवरेट है या कुछ उस्तादों, मतलब हमारे उस्ताद जी का कुछ उसमें वो है कि काला रंग? मेरा काला है, हर मौसम में लड़ता है, हर मौसम में लड़ता है, ये बात बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, काफ़ी लोग ना रंगों के चक्कर में बड़े परेशान होते हैं कि हमें ये, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप नए हैं पुराने, ब्लैक रंग फॉरएवर होता है, किसी मौसम में लड़ाइए, कैसे लड़ाइए, ब्लैक रंग का कोई तोड़ नहीं है, हर मौसम में लड़ जाती है, हर तरीके से लड़ जाता है ब्लैक रंग। बाकी शोएब भाई थोड़ा सा मांझों के ऊपर, जैसे अब आपका एएमडी और यूएसआर आ रहा है, आजकल महंगाई हो रही है, तो आपके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके काम के ऊपर महंगाई का? पता नहीं अभी क्या रेट है, हमने आपको क्या बताया, वहाँ पे रेट बढ़ गया फिर आपसे, मतलब एक तरह शेयर मार्केट है, हर मिनट्स में रेट बढ़ रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे आप मतलब इस टाइम पे कुछ नहीं कह सकते कि अभी आपने यहाँ पे 2200 की डोर बेची, वहाँ पर चला थोड़ी देर में 100 रुपये रेट बढ़ गया तो 100 हो गया, तो इससे मार्केट में मतलब काम धंधे पे असर भी आ रहा होगा, शौकीन भी नाराज़ हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा असर आ रहा है, शौकीन नाराज़ हो रहे होंगे, वो कह रहे कि रेट तय करते हैं, वो कहते हैं यार अभी तो तुमने इससे बताया था, अब इससे कह रहे हो, हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है, मजबूरी है, क्या बात है। तो वो भी देखिए बिल्कुल, तो महंगाई तो बड़ी है, मैं मानता हूँ कि एक टाइम तक हमारी खर्ची 10 रुपये थी, आज 10 रुपये में कुछ आता भी नहीं है, ठीक है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, बट आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं, एक होता है कि एक तो बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ना चाहिए, बढ़ना बनता भी है, लेकिन कुछ होता है कि ज़बरदस्ती बढ़ना, ज़बरदस्ती बढ़ रहा है, तो ये ज़बरदस्ती बढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती के रेट ढाई का रेट जो बढ़ा हुआ वो आप कहते हैं गलत है, जो बाकी रेट समझ में आता है कि ठीक है एक टाइम के साथ हर चीज़ बढ़ती है, हर एक का आता है, लेकिन एक होता है कि वो टाइम के हिसाब से बढ़ना चाहिए, एक होता है कि बेटाइम, मतलब कि आप मन करा बढ़ा दिया मैंने, तो वो गलत है, वो धागे में गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि अभी समझिए थोड़ा आउट सीजन है, इस टाइम पे रेट बढ़ा रहे हैं धागे का, सीजन में बढ़ाते हैं तो मानते हैं चलो समझ में आ रहा सीजन चल रहा है, चलो बढ़ा दिया, आउट सीजन में बढ़ाने का क्या मतलब है? आजकल आउट सीज़न क्या है, ये लॉकडाउन जाके में ना पतंगबाजी ना पूरे साल की हो गई है, थोड़ा सा ना शौकीन पूरा साल, पहले शौकीन भी कम थे, अब शौकीनों के नंबर बढ़ गए, शौकीनों के नंबर के नए पतंगबाजों के नंबर बढ़ गए हैं, तो इस चीज़ को कंपनी ने पकड़ लिया कहीं ना कहीं, तो कंपनी इस चीज़ को ना मतलब कहते ना कि यहां तो हम यहां बैठे हुए हैं तो बंदे पूरे एनालाइज करवाते हैं कि भैया कहां पे क्या हो रहा है, कितना कहां हो रहा है, पूरा सर्वे होता है, तो कंपनी उसका बेनिफिट उठा रही है आप लोगों से, बट ये कहीं ना कहीं देखिए हम दोनों के लिए, मैं भी शौकीन हूँ आप बनाने वाले हैं, तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान दोनों को हो रहा है,
क्योंकि हमें भी अपनी पॉकेट से निकालना पड़ रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ जब महंगी उठा के बेचनी पड़े तो आपको भी लगता हो कि भैया शौक महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डर तो होता नहीं कहीं कल को शौक बंद ना हो जाए। तो अगर शौक बंद हो गया तो मैं कहता हूँ कि इससे बढ़िया काम कहाँ मिलेगा। अगर आप सुबह 6 बजे आके दोपहर को 2 बजे घर जा रहे हैं ना, अब जॉब करके देखिए जा करके देखिए 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, 11-11 घंटे काम करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ना ये सब ना इवन शौकीन भी समझे और जो बना रहे हैं वो भी समझे कि रेट को थोड़ा सा जस्टिफाई किया जाए और उसका एक तरीका और भी निकाले कि 1-2-3 की डोर थोड़ा सा अभी कम यूज़ की जाए। तो आपको क्या लगता है, अगर हम 1-2-3 की डोर की डिमांड कम कर देंगे तो रेट कम होंगे उससे? नहीं, टक्कर का इन सेंस देखो JPC की डोर आती है प्रवास की, अगर हम तय करके JPC प्रवास लड़ाना शुरू कर दे, मैं बोलता हूँ कि हमने दिल्ली में 50 क्लब है तो 50 क्लब ने क्या किया कि उन्होंने एक चरखा 1-2-3 का लगा लिया, एक चरखा JPC का लगा लिया, मैदान में गए तय हो गया कि भाई हम JPC से JPC लड़ाएंगे, 1-2 से 1-2 लड़ाएंगे, तो बोल दिया कि भाई जैसे बोलता है कि दूर का पेच लड़ेगा वैसे भाई मैं अब JPC उड़ा रहा हूँ, तो वो बोलेगा ठीक है मैं भी JPC उड़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा डिमांड कम होगी। तो डिमांड कम होने से वो उसके लिए ये एक ही सोल्यूशन है कि कम से कम 4 से 5 कंपनियों को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि टक्कर हैं 4 से 5। उससे क्या होगा ना, क्योंकि मार्केट में चीज़ एक ही होती है। अगर मैं बोलूं कि आज के टाइम पे एक ही मेकर, मैं बोलता हूँ खाली आप शोएब भाई एक मेकर है यहाँ पे, खाली आप मांझा बनाएंगे तो आपको पता कि मैं टक्कर कोई है नहीं, मैं ही हूँ, तो आपका आप बोलोगे भैया मैं इस टाइम पे, लेकिन जैसे कंपटीशन में आएगा तो आपको पता कि यार वो भी चीज़ दे रहा है मेरे को भी दे रहा है, तो थोड़ा सा आप भी कुछ ना कोई नई स्कीम निकालेंगे कुछ करेंगे, तो ये चीज़ें आती हैं, तो टक्कर में लानी पड़ेगी ये चीज़, आप भी मानते हैं इस चीज़ को और शौकीन भाई को भी करना। बिल्कुल वो चीज़ थोड़ा सा वो हो रहा है, आ नहीं पाई थोड़ा सा, शौकीन लोग ध्यान नहीं देते, शौकीन लोग रो तो देते हैं कि महंगी हो गई है पर ध्यान नहीं देते हैं किसी चीज़ को, वो करना ही चाहते हैं कि आपस में बात करके भी, अगर वो जहाँ पे 10 चरखे लगवा रहे हैं 1-2-3 के, वहाँ पे 5 चरखे 1-2-3 लगाए, 5 चरखे किसी और डोर के, डोर तो आपके पास रॉकेट भी है, JPC भी है, हैमर भी है, उसके बाद आपकी प्रवास भी है, प्रवास भी डोर अच्छी लड़ती है मेरे ख्याल से, आपकी रॉकेट भी अच्छी है, अगर वो आपस में तय करके लड़ा लेंगे रॉकेट से तो क्या जाएगा उनका, तो उससे टक्कर डोर तो आपको आएगा ना कंपटीशन में, और जहाँ पे 10 सरके भी गए तो वहाँ पे 5 भी गए तो भैया कंपनी की भाई धागे की डिमांड कम हो गई, तो कंपनी उस चीज़ को वहीं पकड़ लेगी, कंपनी 1 महीने पकड़ लेगी भाई धागे की डिमांड कम आ रही है, क्यों आ रही है, पता चला कि भाई लोगों ने बंद कर दिया, तो आप क्या करें वापस आने के लिए मार्केट में रेट 100 करेगी कम, 50 करेगी, कुछ तो करेगी कम, शुरू तो करेगी कम, तो झुकाने का तरीका एक ही है कि थोड़ा सा हम लोगों को यूनिटी में आना पड़ेगा। बाकी AMD मैंने उनका उड़ाया शोएब भाई का, बहुत बढ़िया मतलब, और जनाब एक चीज़ पूछनी थी, जो भी आपके मटेरियल होते हैं वो आप मतलब आपके जो वालिद साहब हैं उन्हीं के बनाए हुए, मतलब उन्हीं के उस्तादों के जो हाथों के मटेरियल आप वही यूज़ करते हैं या कुछ नया भी आपने कुछ खेला है? वो भी यूज़ करें, तो पुराने और नए में आपको क्या डिफरेंस लगा? देसी माल, देसी जैसे कि मतलब लंबा चलने वाला, जो अब नए आ रहे हैं उनसे क्या असर आ रहा है डोर के ऊपर? डोर बन रही है लेकिन ये है अब जो आजकल के हिसाब से बन रही है, ये थोड़ी चढ़ी हुई चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ी हुई चल रही है, पहले के हिसाब से बनती थी। बिल्कुल, और मटेरियल डलते थे अपने देसी मटेरियल डलते थे, जो औषधि हम बोलते थे वो डलती थी, तो अब कुछ नया आपने भी मतलब वक्त के हिसाब से आपने भी चेंज किया, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक होता ना कि जो कहते हैं कि पुराने उस्तादों के हाथ के बने मटेरियल जैसे बता दिए कि ये मटेरियल डलते ये इतना मतलब कहते ना कि ये इतना ये चलेगा, तो वो एक अलग ही होता था, एक उसका अपना एक अलग ही मज़ा आता था। असल में वो मान लीजिए अब चल भी नहीं रहा है, बहुत कम है, तो बहुत जैसे पुराने लोग पुराने शौकीन ही खरीदते हैं कि हमें वैसा मांझा बना के दो ताकि हम लंबा लड़ा लें, कि लंबे का पेच अब ग्राउंड ही नहीं बचे हैं इतने बड़े हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो दोस्तों देख रहे हो कि पतंगबाजी की चमक कहीं ना कहीं वो चेंज भी हो रही, मैं पीक ही नहीं बोलूँगा लेकिन हम कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। आप छोटे पेचों पे आगे मैंने देखा लोगों को 30 के हवा में खींच देते हैं लोग आश्रम में, मतलब जहाँ पे बंदा अगर 30 के हवा लंबा लड़ाएंगे होता था खींच देते उसी में, लंबे पे भी खींच देते कहते रहा हूँ, तो वो चीज़ें अलग हो गई हैं थोड़ा सा, पर ठीक है एक चलता रहेगा। बाकी ये है कि शौक चलता रहना चाहिए, ख़त्म होने से अच्छा शौक चलता रहना चाहिए, उसका यही है कि थोड़ा सा मिल के आइए, सब सामने आइए, कोशिश कीजिए कि इस शौक को एक वो करें, बजट में लेके आए, उसके लिए सबको आप एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। बाकी शोएब भाई कुछ कहना चाहेंगे चैनल्स के ऊपर, कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? चलिए कोई बात नहीं शोएब भाई, चलेगा। बाकी प्राउड मोमेंट है, हम आज हम खड़े हैं यहाँ पे रफन उस्ताद जी के अड्डे पे, जो मतलब एक नाम है, एक मतलब पतंग की जो मांझे की जो कारीगरी में जो शुरू हुआ था, जो बिल्कुल आपके परदादा जी थे उनका अली नवाब, क्या नाम था, अली मोहम्मद जी थे, वहाँ से शुरू हुआ था, उन्होंने शुरू मेरे दादा से पहले थे,
उनका नाम एक नूरी उस्ताद थे और एक है कोई वजीर उस्ताद थे, मुझे इतना नाम मालूम नहीं है। जैसे मैं जो हूँ पाँचवीं पीढ़ी काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप पाँचवीं पीढ़ी हैं तो वो ऊपर से मतलब आपके वहीं से आ रहे हैं, जो आपके उसे चलते आ रहे हैं, तो देख रहे हैं आप बताया कैसे मतलब पाँचवीं पीढ़ी चल रही है और स्टार्टअप करने वाले मांझा मेकिंग मतलब बरेली में ये मांझा बनाने का जो काम स्टार्ट होता था यहाँ से हुआ था, ये उसी पीढ़ी के पाँचवीं पीढ़ी है। तो कितना प्राउड मोमेंट रहता है शोएब भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मज़ा आ गया आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच।